हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज हम लेकर के आ गए हैं आप सबके लिए दही भिंडी की सब्जी। तो भिंडी भी खूब आ रही है अभी बाज़ार में, तो क्यों ना उसे अच्छी सी तरीके से बना करके खाया जाए। वैसे तो भिंडी बहुत तरीके से बनती हैं, तो आज हम बनाएंगे दही भिंडी। तो दही भिंडी बनाने के लिए हमने ले ली हैं 400 ग्राम भिंडी, और भिंडी को अच्छी तरह पहले धो लिया है, और फिर हमने इसको इस तरीके से चीरा लगा लिया है। चीरा लगाने से होगा ये कि अच्छी तरह मसाला अंदर तक घुस जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे कि हम भरमा भिंडी खा रहे हैं। और 3 प्याज हमने लिए हैं मीडियम साइज़ की, वो भी कट कर ली हैं। और ये लाल मिर्च है, मतलब हरी मिर्च लाल हो गई हैं, उन्हें ही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। मिर्चों में भी हमने चीरा लगा लिया है। और ये ले लिया है दही, इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। चलिए करते हैं शुरू, देरी किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखा वाला मिर्च। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा तीखा ले सकते हैं। और इसे हम कर लेंगे इस प्रकार मिक्स। दही और मसालों को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, इसको हमने ऑन कर लिया है। और अब ले लेंगे यहाँ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। लगभग 4 से 5 चम्मच ऑयल हमने यहाँ पर ले लिया है। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, ये भिंडी को हम ऐड कर देंगे तेल में। और बिल्कुल ज़रा सा नमक ले लेंगे, हल्का सा, बाकी नमक हम बाद में ऐड करेंगे। और भिंडियों को उलट पलट करेंगे, 2 मिनट के लिए ढकेंगे। 50% हम इसे ऐसे ही पकाएंगे इस प्रकार। सॉफ्ट हो गई हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस सारी भिंडी को हम इसमें निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया है इस प्रकार। 2 चम्मच के करीब ऑयल और ले लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, ले लेंगे थोड़ी सी हींग, ले लेंगे साबुत जीरा। जीरा अच्छी तरह चटक गया है। और अब ले लेंगे ये कट किया हुआ प्याज, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बस। इसमें ये मिर्च ऐड कर देंगे और अब इसको चला देंगे। गैस को हम मीडियम पे कर देंगे और प्याज को अब चलाएंगे। इसको प्याज को देखते हैं, प्याज एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। गैस को अभी हम स्लो कर देंगे एकदम। इसको अभी स्लो रखेंगे क्योंकि ये दही है ना, तो थोड़ा फटने का डर रहता है। इसको अच्छी तरह चलाएंगे इस प्रकार। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है। और अब हमें क्या करना है, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है भिंडी में उतना पानी हम ऐड करेंगे। ये मसाला रखा था उसी में पानी डाल के हम धो करके इसको डाल देंगे। भिंडी को ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। अब चलाएंगे, रोटी हो, पराठा हो, चावल हो, सभी के साथ ये भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है। आके चला देंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, इसको हम ढक देंगे। और अब चेक करते हैं फिर से कितने अच्छे से पक रही हैं और कितना अच्छा कलर आया है एकदम स्लो गैस पे।
और अब थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर से छिड़क देते हैं। गैस को करेंगे बंद, 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, उसके बाद एक बर्तन में निकालेंगे। रोटी, पराठा, चावल सभी के साथ आपको ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। टेस्टी टेस्टी दही भिंडी बनकर के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।